खबर अजमेर से है जहां पर मेयर और उपायुक्त के बाद में अब तत्कालीन आयुक्त हिमांशु गुप्ता भी जांच के घेरे में आ गए हैं। निगम के पार्षदों ने गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला आयुक्त के बंगले में लाखों रुपए खर्च करने से जुड़ा है, जिसमें पार्षदों ने खर्च राशि की जांच करवाने की मांग को लेकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि निगम के तत्कालीन आयुक्त हिमांशु गुप्ता को पीडब्ल्यूडी के जरिए एक बंगला आवंटित हुआ था, जिसको ठीक करवाने में लाखों रुपए खर्च किए गए। बड़ी बात यह है कि जो राशि खर्च हुई उसकी जिम्मेदारी लेने से निगम और पीडब्ल्यूडी ने मना कर दिया है, तो अब पार्षद आयुक्त पर आरोप लगा रहे हैं कि जब विभागों ने राशि खर्च नहीं की तो इसमें ऐशो आराम की सुविधाओं के लिए पैसे कहां से आए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।